हमारी बात चल रही थी परम शुद्ध मिशन है, आत्मा शुद्ध मिशन है और एक देश शुद्ध मिशन है। मिशन है कि तीन व्यक्ति और एक अशुद्ध मिशन है, तो इस तरह से मिशन है कि टोटल चार भेद हुए। लेकिन हमारा मूल प्रश्न इस बात से चला था कि निश्चयन है कि भेद नहीं हो सकते। तो ये आपको हाईलाइटेड ब्लू कलर से दिख रहा होगा कि जिनके मत में निश्चयन है कि बहुत से भेद माने गए हैं, वे सब सर्वज्ञ की आज्ञा की उल्लंघन करने वाले होने से नियम से लिखा रहता है। तो प्रश्न यही चलना है, यदि ऐसा ऐसी बात है तो फिर जिनागम में इस निश्चयन है कि भेद किए क्यों गए, तो ये प्रश्न चलना है। लेकिन अभी इसका उत्तर चालू नहीं किया। पहले तो ये बात की है कि निश्चय ने कि भेद नहीं होना चाहिए और मानना होना चाहिए, और ऐसा बताने के बाद पहले ये बताया कि जिनागम में निश्चय ने कि भेद कौन कौन से स्वीकार किए गए। तो उसमें बताया था कि दो है वैसे तो, एक शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय है। लेकिन शुद्ध निश्चय है कि तीन भेद और हो जाते हैं, एक परम शुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है जिसका दूसरा नाम साक्षात शुद्ध निश्चय भी है, और तीसरा एक भेद शुद्ध निश्चय है। तो ये तीन भेद मिश्रण है के हो जाते हैं, मतलब शुद्ध मिश्रण है के और एक अशुद्ध मिश्रण है, इस प्रकार टोटल चार भेद मिश्रण है के हो जाते हैं। तो इसमें एक बात और बताई थी कि एक तो शुद्ध मिश्रण है जिसके अंदर तीन भेद शामिल हो जाते हैं, और एक साक्षात शुद्ध मिश्रण है जिसको शुद्ध मिश्रण है भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाम तो एक ही हो गया, एक तो ये वाला शुद्ध मिश्रण है और एक ये शुद्ध मिश्रण है, इन दोनों का नाम सेम है। तो नाम सेम होने के बावजूद भी जब जिनवाणी में शुद्ध मिश्रण है कहा गया हो तब हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये शुद्ध मिश्रण है मतलब कौन सा समझना, तभी तो स्पेसिफिक बोल देंगे कौन सा शुद्ध मिश्रण है। लेकिन जब सीधे शुद्ध मिश्रण है कहा और ये नहीं बताया कि कौन सा शुद्ध मिश्रण है, तो वहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि ये ब्लू कलर वाला शुद्ध मिश्रण है कहा है तो वो शुद्ध मिश्रण है कहा है, तो अब हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मतलब परम शुद्ध मिश्रण है लेना, शुद्ध मिश्रण है लेना या एक देश शुद्ध मिश्रण है। एक देश शुद्ध मिश्रण है सीधे कहा हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन यदि शुद्ध मिश्रण है कहा हो तो फिर हमको ध्यान में ये लगाना पड़ेगा कि ये शुद्ध मिश्रण है का परम शुद्ध के लिए का या एक देश के लिए का या साक्षात के लिए, मतलब वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो जो बात चल रही है, जो विषय चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको ये लगाना पड़ेगा कि ये शुद्ध निश्चय है किस संबंध में था। तो इसके लिए परमात्म प्रकाश और वृद्ध संग्रह की गाथाओं के एग्जाम्पल देते टीका होंगे, और जैसे यहाँ पे लिया है सामने आप देख रहे होंगे परमात्म प्रकाश की अध्याय एक का दुआ नंबर 64, तो इसमें लिया था कि आकुलता लक्षण जिसका ऐसा पारमार्थिक विकास सुख से प्रतिकूल सांसारिक सुख दुख यद्यपि अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव जनित है तथापि शुद्ध निश्चय ऐसे कर्म जनित है। तो ये सांसारिक सुख दुख को अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव का कहा और शुद्ध निश्चय ऐसे कर्मों का कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे शुद्ध निश्चय हत्यार लेना काफी बात है, और सांसारिक सुख दुख को कर्मों का शुद्ध निश्चय ऐसे का, तो आत्मा का अशुद्ध निश्चय ऐसे का। तो अभी तो हमको बहुत सारे प्रश्नोत्तर आएंगे बीच में कि आप मतलब सांसारिक सुख दुख को कर्म का कह रहे हो वो भी निश्चय ऐसे, दो ही क्वेश्चन आप अपने
ख्याल में रखते रहना, मुझे पता नहीं कौन कौन क्लास में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं ये ख्याल में रखना, मतलब आपको क्वेश्चंस उत्पन्न होते रहने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ते जाओगे। सब कुछ तो समझ में आ जाएगा तो आगे नहीं बढ़ोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो भी आगे नहीं बढ़ोगे। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब समझ में नहीं आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन जो उठ रहे हो दिमाग में वो याद रहने चाहिए। जब उस क्वेश्चन लगना चाहिए कि क्वेश्चन चल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको ये बात बताई यहाँ पे इस पैराग्राफ में, कि यहाँ पे एक बात हुई कि सांसारिक सुख दुख अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव के हैं, और वो ही सांसारिक सुख दुख शुद्ध निश्चय ऐसे कर्म के कहे। अब सांसारिक सुख दुख को कर्म का क्यों का, ये प्रश्न रहने चाहिए। ठीक है, फिर अभी इनके उत्तर आएंगे, मैं अभी जल्दी पहले से नहीं बता रहा उनको। अब दूसरी बात आई थी गाथा नंबर 48 की टीका से जन संग्रह की, और वहाँ पे प्रश्न उत्तर शिष्य और गुरु के दो, मतलब एक प्रश्न पूछा फिर उत्तर दिया, फिर उसका एक प्रश्न पूछा फिर उत्तर दिया, इस तरह वहां पे भी ये बात ली थी। और ऊपर लिया था कि सांसारिक सुख दुख किसके, मतलब किसके हैं और किस नए से, तो असल निश्चय ऐसे जीव के और शुद्ध निश्चय ऐसे कर्म के। अब यहाँ पे पूछा था कि राग द्वेष किसके हैं, कर्म के हैं, जीव के। तो देखो तीन चार उत्तर है। देखो पहले तो कहा था कि स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति, जैसे दोनों से उत्पन्न होते हैं वैसे ही चूना और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए गर्ण विशेष की भांति। इसके एग्जाम्पल हो गए, तो दो एग्जाम्पल दे करके कहा कि राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित हैं। तो अब संयोग जनित हैं, लेकिन फिर भी बताओ ना कौन से राग जीव की अपेक्षा से है या कर्म की अपेक्षा। तो फिर बोलते हैं कि नए विवक्षा से देखेंगे तो एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे कर्म जनित हैं और अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव जनित हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था जिसके लिए पूरी चर्चा यहाँ पे करी है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो निश्चय नहीं की बात थी, शुद्ध निश्चय नहीं की बात थी, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया वो शुद्ध निश्चय है कौन सा है। ठीक है, और ऊपर स्पेसिफिकली नहीं बताया था कि शुद्ध निश्चय है कौन सा है। ऊपर तो सीधा ये बोल दिया था कि शुद्ध निश्चय ऐसे कर्म जनित है। ठीक है, शुद्ध निश्चय ऐसे कर्म जनित है ये कह दिया था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया कि वो शुद्ध निश्चय है कौन सा लेना, जिससे आप राग द्वेष को कर्म जनित कह रहे हो तो वो शुद्ध निश्चय है कौन सा लेना। तो यहाँ पे बताया कि एक देश शुद्ध निश्चय नहीं लेना, बाकी दो नहीं लेने। बाकी दो कौन कौन से, शुद्ध निश्चय है जिसको साक्षर शुद्ध निश्चय कहते हैं और परम शुद्ध निश्चय है, वो दो ना लेकर के यहाँ पे एक देश शुद्ध निश्चय को लेना है। तो ये वाली बात यहाँ पे समझने की थी, जिसके लिए पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था। फिर यहाँ पे जब ये बात बोल दी कि एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे राग द्वेष कर्म के हैं और अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव जनित हैं, तो फिर यहाँ पे उन्होंने प्रश्न किया, पुनः प्रश्न किया कि चलो आपने निश्चय के तीन भेद किए ना, एक देश शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है और परम शुद्ध निश्चय है। तो समझ में आती है परम शुद्ध निश्चय ऐसे तो राग द्वेष किसी को ही नहीं, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय का विषय पर्याय है ही नहीं, तो और राग द्वेष तो पर्याय में पाए जाएंगे। ठीक है, तो पर्याय में पाए जाएंगे राग द्वेष और परम शुद्ध निश्चय है, इसीलिए हम बात नहीं कर रहा हूँ, उसका प्रश्न भी नहीं पूछ रहे कि परम शुद्ध निश्चय ऐसे राग द्वेष किसके हैं, क्यों, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय ऐसे देखने पे तो राग द्वेष देखेंगे। तो यहाँ प्रश्न किया कि साक्षात शुद्ध निश्चय ऐसे राग द्वेष किसके हैं। ठीक है, तो देखो साक्षात शुद्ध निश्चय ऐसे राग द्वेष किसके हैं ऐसा हम पूछते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि साक्षात शुद्ध निश्चय ऐसे स्त्री और पुरुष के संयोग से रहित पुत्र की भांति, चूना और हल्दी के संयोग रहित रंग विशेष की भांति, उनकी राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं है तो कैसे उत्तर दें। साक्षात शुद्ध निश्चय है तब उसे पूर्ण शुद्ध पर्याय होती है, पूर्ण निर्मल दशा होती है। तो पूर्ण निर्मल दशा जहाँ पे होती है वहां पे रागादि भाव होते ही नहीं है। अब होते ही नहीं है तो जहाँ पे अशुद्धता विद्यमान होगी वहां एक देश शुद्धता भी विद्यमान होगी, एक देश शुद्ध निश्चय है ना। तो चलो इसको हम देख ही लेते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। ये निश्चय है कि चार भेद करे, आपको चार्ट में दिख रहा होगा, परम शुद्ध निश्चय है जिसका दूसरा नाम साक्षात शुद्ध निश्चय भी है, और एक देश शुद्ध निश्चय है और एक अशुद्ध निश्चय है। तो जीव की पर्याय को देखो, तो जीव की पर्याय में या तो अशुद्धता पाई जाएगी, ठीक है, जैसे राग द्वेष मिथ्या मोह राग द्वेष भाव जो चल रहे हैं कथाएं भाव कर रहे हैं, यह अशुद्धता है। फिर साधक की भूमिका में
एक देश शुद्धता और एक देश अशुद्धता पाई जाती है। जैसे सम्य दृष्टि जीव है, तो सम्य दृष्टि जीव के जीवन में अभी भूमिका के अनुसार साधक रास्ते चल रही है, तो वहां पे किंचित शुद्धता है और किंचित अशुद्धता है, कथंचित शुद्धता कथंचित अशुद्धता, मतलब दोनों सहचर रूप से विद्यमान रहते हैं। फिर एक बात की अशुद्धता की, एक बात की साधक अवस्था में जाकर थोड़ी शुद्धता थोड़ी अशुद्धता एक हो जाएगा। जैसे छायिक सम्य दर्शन है, रत्नत्रय की पूर्णता होने पर केवल ज्ञान आदि प्रकट हुए, ठीक है। ये जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है, सिद्ध अवस्था है, ये जो पूर्ण शुद्ध अवस्था है यहाँ पे राग द्वेष या फिर यहाँ किंचित भी अशुद्धता विद्यमान नहीं है, तो ये पूर्ण शुद्ध पर्याय। तो पर्याय की अपेक्षा से तीन स्थिति बनेगी, या तो पूरी अशुद्धता, थोड़ी अशुद्धता थोड़ी शुद्धता, और तीसरा पूरी शुद्धता। तो इसके लिए तीन निश्चय है की बात करें। अब इनमें से अशुद्धता के साथ जो तन्मय करके बताएगा वो अशुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्धता के साथ जो तन्मय करके बताएगा वो एक देश शुद्ध निश्चय है, और पूर्ण शुद्धता के साथ जो तन्मय करके बताएगा वो शुद्ध निश्चय है, या फिर जिसे साक्षात शुद्ध निश्चय है। परम शुद्ध निश्चय का विषय पर्याय है ही नहीं, तो परम शुद्ध निश्चय है वो त्रिकालिक जो परमात्मा को बताएगा, पंचम पारिणामिक भाव को बताएगा। अब इनके एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अशुद्ध निश्चय का। जैसे आपने बोला मिथ्या दृष्टि, या फिर बोला रागी, या बोला क्रोधी, तो आपने क्या किया कि अशुद्धता के साथ जीव को तन्मय करके एक में एक करके बताया कि ये मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि बोला तो आपने क्या बोला, मिथ्या रूपी अशुद्धता के साथ जीव को तन्मय करके एक कथन किया मिथ्या दृष्टि, या फिर आपने बोला रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, तो यहाँ पे आप राग मतलब जो भी अशुद्ध पर्याय उस अशुद्ध पर्याय से तन्मय करके कथन करते हैं। फिर आपने ये अशुद्ध निश्चय है का उदाहरण, फिर आप हमने बोला मुनिराज, या फिर बोला साधक जी, या फिर हमने बोला मतलब जैसे एलक सुलक आदि होते ना, या मुनिराज मतलब बारहवें स्थान तक की कोई भी छद्म वस्तु की भूमिका में मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रय ज्ञानी, मनप्रय ज्ञान सम्य ज्ञान है ना, सम्य ज्ञान केवल ज्ञान तो पूर्ण शुद्ध पर है, लेकिन मति सुख अवधि मनप्रय ज्ञान ये एक देश शुद्ध पर है, ठीक है। और हम अभी इनको कुमति कुशुद्ध कु अवधि से भिन्न देख रहे हैं, कुमति कुशुद्ध कु अवधि तो अशुद्ध निश्चय में जाएंगे, लेकिन मति सुख अवधि मनप्रय ये एक देश शुद्ध पर है, और मति सुत अवधि मना परे ये पर्याय को जीव के साथ तन्मय करके मति ज्ञानी, सुख ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रय ज्ञानी, मुनिराज को भी आपने जीव को उनकी साधक अवस्था से तन्मय किया, तो अवस्था से जहाँ पे तन्मय कर दिया जीव को और फिर कथन किया वो एक देश शुद्ध निश्चय के कथन होंगे। फिर साक्षात शुद्ध निश्चय है जिसने यहाँ शुद्ध निश्चय ने कहा उसको देखें, तो जैसे आप बोलते हैं केवल ज्ञानी, तो केवल ज्ञान को शुद्ध पर्याय, ठीक है, केवल ज्ञानी और भी मतलब जो भी पूर्ण शुद्ध पर्याय, छायिक सम्य दृष्टि, सिद्ध भगवान, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है उन पूर्ण शुद्ध पर्याय से तन्मय करके जीव का कथन कर रहे हो, वस्तु का कथन कर रहे हो, तो वो साक्षात शुद्ध निश्चय होंगे, या शुद्ध निश्चय भी जिनको कहा जाता है। अब लास्ट में है परम शुद्ध निश्चय, तो परम शुद्ध निश्चय क्या है वन में देख लिया, इसका कोई एग्जाम्पल तो नहीं बनेगा, अखंड गुण अनंत गुणों का जो अखंड पिंड है, ज्योतिकाली जो परमात्मा है, पंचम पारिणामिक भाव हम बोलते हैं वह, तो पंचम पारिणामिक भाव तो परम शुद्ध निश्चय का विषय। इस तरह से ये पूरी बात हुई थी, और इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन किया था यहाँ पे नीचे जो हमने पढ़ा ना, तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया था कि एक देश शुद्ध निश्चय से राग द्वेष कर्म जनित है, और अशुद्ध निश्चय ऐसे ही जीव जनित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने किया एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे, तो आपने उनको कर्म जनित कह दिया, लेकिन साक्षात शुद्ध निश्चय ऐसे किसका कहोगे, तो इसका उत्तर उन्होंने दिया कि साक्षात शुद्ध निश्चय है देखेंगे, साक्षात शुद्ध निश्चय से देखने पे तो राग द्वेष है ही नहीं, मतलब जहाँ नहीं ऐसा बोलेंगे कि साक्षात शुद्ध निश्चय जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ राग द्वेष है ही नहीं, राग द्वेष होते तो वहां पे एक देश शुद्ध निश्चय ने काम करता, तो जहाँ पे राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं है तो फिर हम ये उत्तर कैसे दें कि साक्षात शुद्ध निश्चय से राग द्वेष है किसके है ही नहीं, तो किसके है वाली बात कहाँ से आती है, ठीक है। तो
मैंने बस ये थोड़ा इसीलिए चारों नयों के बारे में बता दिया, जिससे जो अभी हमारा विषय चल रहा है इनके बारे में बताया जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसीलिए बता दिया क्योंकि यदि सब ऊपर से जा रहा होता तो फिर बताना जरूरी था। आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब इसके आगे आज पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उक्त दोनों उद्धरणों में से एक में सांसारिक सुख दुख राग द्वेष आदि औदयिक भावों को शुद्ध निश्चय ऐसे कर्म जनित बताया गया है, और दूसरे में एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे, ठीक है, मतलब एक में तो शुद्ध निश्चय ऐसे बोला और एक में एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे बोला। अतः ये दोनों कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, परंतु थोड़ी सी गहराई में जाकर विचार करें तो इनमें कोई विरोध नहीं है। बात मात्र इतनी सी है कि परमात्म प्रकाश के कथन में शुद्ध निश्चय नए शब्द का प्रयोग उस मूल अर्थ में हुआ है कि जिसमें शुद्ध निश्चय नए के तीनों भेद गर्भित हैं, अर्थात उन तीनों भेदों में से कोई भी एक भेद विवक्षित हो सकता है। अब हमने शुद्ध निश्चय नए बोला तो उन उसके तीन भेद हैं, तो उस तीन में से कोई भी एक वहां पे लगाना पड़ेगा। तथा वृहत द्रव्य संग्रह में मूल शुद्ध निश्चय नए को न लेकर, मतलब मूल शुद्ध निश्चय नए को न लेकर उसके प्रभेदों की अपेक्षा बात की है, अतः वहां एक देश शुद्ध निश्चय नए से राग द्वेष को कर्म जनित कहा है, तथा साक्षात शुद्ध निश्चय नए से उनकी उत्पत्ति से ही इनकार कर दिया है। यदि कहीं यह कथन भी आ जावे कि शुद्ध निश्चय नए से वे राग द्वेष हैं नहीं, तो भी घबराने जैसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां यह समझ लेना कि यहाँ शुद्ध निश्चय नए शब्द का प्रयोग परम शुद्ध निश्चय नए के अर्थ में किया गया है, वे नहीं है। इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि वे अर्थात राग द्वेष परम शुद्ध निश्चय नए के विषयभूत आत्मा में नहीं है। देखो, परम शुद्ध निश्चय नए में तो कहा है ही नहीं, ठीक है, और जब ऊपर बात चल रही थी साक्षात शुद्ध निश्चय नए से, तो उन्होंने बोला था उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति नहीं है, ये कह के भी ये बात पे इंगित कर दिया कि हम पर्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन परम शुद्ध निश्चय है वो बोल रहे हैं कि है ही नहीं, कि भाई संसारी अवस्था में, तो संसारी अवस्था में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संसारी अवस्था में भी परम शुद्ध निश्चय है पर्याय को तो देखेगा ही नहीं ना, तो आप राग द्वेष को तो कहाँ देखोगे कि पर्याय में देखोगे, और परम शुद्ध निश्चय ने किसको देख रहे हैं कि द्रव्य भाव को देख रहे हैं, तो अब द्रव्य भाव को देखने वाले परम शुद्ध निश्चय ने से पूछेंगे कि भाई राग द्वेष किसके, तो वो तो ये बोलेगा भाई राग द्वेष है ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि परम शुद्ध निश्चय ने की दृष्टि किस पर है, उसकी दृष्टि तो द्रव्य पर है, अनंत गुणों के अखंड पिंड पर है, त्रिकाली चीज पर है, तो उस त्रिकाली चीज में पर्याय है ही नहीं, तो पर्याय नहीं होने के कारण से वो ये बोलेगा कि वहां पे उसमें तो राग द्वेष है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ था लेकिन कंक्लूडिंग था जो अभी हम ऊपर चर्चा करके आए थे उसकी, इसके बारे में थोड़ा और कह रहे हैं, पढ़ते हैं। देखें, इस प्रकार की संज्ञाएं उत्पन्न ना हो इसके लिए यह बात ध्यान में ले लेनी चाहिए कि जिनागम में शुद्ध निश्चय ने के तीनों भेदों के अर्थ में शुद्ध निश्चय नय का निश्चय नय शब्द का प्रयोग तो हुआ ही है, साथ में मात्र शुद्ध नय शब्द का प्रयोग भी पाया जाता है। अतः जहां विशेष भेद का उल्लेख न हो वहां हमें आगम अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करके ही यह निश्चय करना होगा कि यह कथन शुद्ध निश्चय नय के किस भेद की अपेक्षा है। अब देखो पूरी बात क्या हुई कि हमने अभी देखा कि शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद हैं, निश्चय नय के चार भेद हैं, उसमें से शुद्ध निश्चय नय के तीन और एक अशुद्ध निश्चय नय। तो अब यहाँ पे बोला कि इन तीनों को ही शुद्ध निश्चय नय शब्द से कह दिया जाएगा। अब शुद्ध निश्चय नय शब्द कह दिया तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा शुद्ध निश्चय नय है, परम शुद्ध निश्चय नय है, शुद्ध निश्चय नय है, एक देश शुद्ध निश्चय नय। फिर एक बात और की कि कभी कभी शुद्ध निश्चय नय ना बोल करके सीधे शुद्ध नय बोल दिया जाएगा, निश्चय शब्द भी नहीं लिया, सीधे शुद्ध नय, समय सार में ऐसा बहुत जगह मिलेगा, तो सीधे शुद्ध नय बोल दिया जाएगा। तो शुद्ध नय बोले तब भी आपको लगाना पड़ेगा कि कौन सा शुद्ध नय, परम शुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है, या फिर एक देश शुद्ध निश्चय है, तो वहां भी ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाली बात भी यहाँ पे थे, अब आगे पढ़ते हैं। सुलभ भैया, हाँ जी,
मेरा एक क्वेश्चन था कि साक्षात शुद्ध निश्चय है और परम शुद्ध निश्चय है, इसमें किस बात का डिफरेंस है, उत्पत्ति का डिफरेंस है बस? नहीं 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 नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय है मतलब परम शुद्ध निश्चय है को छोड़ के बाकी तीनों अशुद्ध निश्चय है, ठीक है? हाँ, शुद्ध निश्चय है और साक्षात शुद्ध निश्चय है जिसको शुद्ध निश्चय कहा है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, तो वो पर्याय को इंगित कर रहे हैं ना तीनों नए, तो ये तीनों नए पर्याय की बात करेंगे और ये नए द्रव्य की बात करेगा, ठीक है? अब इस शुद्ध निश्चय का दूसरा नाम साक्षात शुद्ध निश्चय है भी है, ठीक है? हाँ, ये जो बीच में शुद्ध निश्चय में लिखा है इसका दूसरा नाम साक्षात शुद्ध निश्चय है भी है। अब बात ऐसी है कि ये तीनों पर्याय के पर्याय को विषय बना करके पर्याय से द्रव्य को अभेद करके तन्मय करके कथन करते हैं। परम शुद्ध निश्चय ने पर्याय को विषय नहीं बनाता, जो ये वस्तु है इस वस्तु में द्रव्यांश, ठीक है, हाँ, और पर्यायांश, हाँ, तो परम शुद्ध निश्चय ने इस पर्याय अंश को विषय बनाते नहीं। हाँ, परम शुद्ध निश्चय ने का विषय ही द्रव्यांश है, तो जब वो द्रव्यांश को विषय बना रहा है तो उसे वहां पे पर्याय देखेंगे नहीं। अब ये जो बाकी तीन नए हैं, ये पर्याय तीन प्रकार की कौन कौन सी, एक पूरी शुद्ध, एक थोड़ी अशुद्ध और थोड़ी शुद्ध और एक पूरी अशुद्ध, ठीक है? तो अशुद्ध निश्चय है पूरी अशुद्ध पर्याय को विषय बनाएगा, एक देश शुद्ध निश्चय है कथनचित शुद्ध और कथनचित अशुद्ध, मतलब जो साधक की भूमिका में होता है कि थोड़ी शुद्धि प्रकट होती है और थोड़ी अशुद्धि, जैसे हम बोलते हैं चतुर्थ स्थान वर्ती जी की भूमिका कैसी है कि उनके अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक विद्याप्त प्रकट हुई है और अभी तीन कसाय चौकड़ी विद्यमान है तो उतनी अशुद्धता है। मुनिराज की भूमिका में कि तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया है उतनी भी प्राप्तता उतनी शुद्धता और एक संजलन कसाय चौकड़ी विद्यमान है उतनी अशुद्धता, तो वो एक देश शुद्ध निश्चय है उसको विषय बनाएगा कथनचित शुद्धता को, एक देश जो शुद्धता विद्यमान है ना उसको, और शुद्ध निश्चय है तो वहां पे तो अशुद्धता है ही नहीं, तो अशुद्धता है ही नहीं, पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हो गई है। अब पूर्ण शुद्ध अवस्था आप अलग अलग तरह से लगा सकते हो, अलग अलग गुणों की पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हो गई, जैसे सम्य दर्शन के केस में छायिक सम्य दर्शन प्रकट हो गए, तो जब आप छायिक सम्य दृष्टि बोलोगे तो वो साक्षात शुद्ध निश्चय है का विषय, ठीक है? क्यों? क्योंकि सम्य दर्शन के संबंध में पूर्ण शुद्धता प्रकट होगी। केवल ज्ञानी बोलोगे तो केवल ज्ञान ज्ञान की पूर्णता प्रकट होगी, सिद्ध अवस्था बोलोगे तो समस्त रूप से ही शुद्ध अवस्था प्रकट होगी। तो बात उसकी चलेगी, आप जिसकी बात कर रहे हो वो पूर्ण शुद्ध अवस्था को लेके बात कर रहे हो और फिर उससे तन्मय कर रहे हो तो वो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय बन जाएगा। तो पर्याय तीन प्रकार की ही हो सकती है और इन तीनों प्रकार की पर्यायों को ये तीन नए विषय बना लेते हैं, और पर्याय के अलावा जो बचा है वो द्रव्य भाव, ठीक है? उस द्रव्य भाव को ये परम शुद्ध निश्चय विषय बनाते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये मैं बाद में रब कर दूंगी, अभी हमारी बात कहाँ चल रही थी, ये पैराग्राफ पढ़ लिया था हमने जिसमें ये वाली बात आई थी कि कभी शुद्ध नय भी कह दिया जाएगा। ऊपर बताया था कि ऊपर क्या बताया था कि अकेले शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग हो, फिर यहाँ पे बताया कभी कभी शुद्ध निश्चय नय शब्द के प्रयोग के साथ साथ अकेले शुद्ध नय शब्द का भी प्रयोग पाया जाता है, तो वहां पे भी हमको अपना विवेक का प्रयोग करके निश्चय करना होगा कि कौन से शुद्ध निश्चय नय के भेद की बात चल रही है। शुद्ध नय तो का लेकिन शुद्ध नय में भी कौन से भेद की बात चल रही है, तो हमको समझना पड़ेगा। कभी शुद्ध नय से परम शुद्ध निश्चय नय समझना, कभी शुद्ध नय से एक देश शुद्ध निश्चय नय समझना, कभी शुद्ध नय से साक्षात शुद्ध निश्चय नय समझना, तो ध्यान रखना होगा, ठीक है? अब दफा आगे बढ़ते हैं। अभी तो इन्होंने बोला शुद्ध निश्चय नय और शुद्ध नय, अब बोल रहे हैं तथा जहाँ अकेले निश्चय नय शब्द का ही प्रयोग हो, आखिरी की दो लाइनें पेश की, ठीक है? तथा जहाँ अकेले निश्चय नय शब्द का ही प्रयोग हो तो उसकी सीमा में अशुद्ध निश्चय नय के भी आ जाने से हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। अब जब निश्चय नय बोला है तो निश्चय नय में तो चारों भेद आ जाएंगे ना, तो चारों भेद आ जाएंगे तो फिर कौन से निश्चय नय की बात है, अशुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय में भी एक देह साक्षात या परम शुद्ध, तो किसकी बात चल रही है वो ध्यान में रखना होगा।
उक्त उदाहरण में एक बात और भी महत्व की आ गई, वह यह है कि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार नहीं है। इससे यह भी जान लेना चाहिए कि यदि कहीं यह भी कथन मिल जावे कि रागादि भाव व्यवहार ऐसे जीव के हैं, तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ जीव के अशुद्ध निश्चय से कहा है। जहाँ अशुद्ध निश्चय को व्यवहार कहा जाएगा, वहां इन्हें भी व्यवहार से जीवकृत कहा जाएगा। अब देखो यह आपको क्लियर होगा थोड़ा, क्या बात कर रहे हैं कि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय को व्यवहार कहा है। ऊपर चार्ट पे वापस आओ, चार्ट पे एक तरफ है, एक मिनट देखो, इस शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से इस अशुद्ध निश्चय को व्यवहार कहा है। शास्त्र में शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय को व्यवहार कहा जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब शुद्ध मतलब अशुद्ध निश्चय क्या करेगा कि अशुद्ध पर्याय के साथ तन्मय करेगा, तो रागी मिथ्या व्यक्ति ऐसे कथन करेगा, ठीक है। तो राग अशुद्धता है, मिथ्यात्व अशुद्धता है, और उस अशुद्धता के साथ तन्मय करके कथन करना वो अशुद्ध निश्चय है। तो जब हमने बोला कि अरे मिथ्या दृष्टि, अरे रागी द्वेषी, तो भाई जब ये कथन किया जा रहा है और फिर हम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से देखेंगे, तो ये जो कथन किया ना, जीव को रागी द्वेषी मिथ्या दृष्टि पापी कह रहे हैं, अरे ये तो व्यवहार से कहा है। क्यों? क्योंकि निश्चय से देखेंगे, शुद्ध निश्चय से देखेंगे, तो ये राग द्वेष विकार आदि ये जीव का स्वभाव नहीं है ना, शुद्ध स्वभाव नहीं है। तो शुद्ध स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है, तो इसको व्यवहार कह दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे कही कि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय को भी व्यवहार कहा जाएगा। तो इससे यह भी जान लेना चाहिए कि यदि कहीं यह भी कथन मिल जावे कि राग आदि भाव व्यवहार ऐसे जीतते हैं, तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसे तो बोला रागी देसी तो अशुद्ध निश्चय से जीतते थे, ठीक है, लेकिन यदि उसे व्यवहार से जीतता कहा, तो भी समझ लेना अशुद्ध निश्चय से कहा था ना, तो अशुद्ध निश्चय से कहना, तो जब यदि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से देखेंगे, तो वो अशुद्ध निश्चय व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। जहाँ अशुद्ध निश्चय को व्यवहार कहा जाएगा, वहां इन्हें भी व्यवहार से जीवकृत कहा जाएगा। निश्चय से देखोगे तो जीव के द्वारा किए हुए नहीं है, कौन रागा जीव। अब देखो इसके बाद भी बात समाप्त नहीं होती है, एक पैराग्राफ और पढ़ूंगा, देखो इसकी चर्चा होगी जरूरत तो कल कर लेंगे, लेकिन एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। बात यहाँ तक ही समाप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय व्यवहार हो जाता है, तो शुद्ध निश्चय के प्रभेदों में भी ऐसा ही क्यों ना हो, अर्थात ऐसा होता ही है। मतलब क्या कि परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा साक्षात शुद्ध निश्चय एवं एक देश शुद्ध निश्चय भी व्यवहार ही कहे जाते हैं। वापस चार्ट पे, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय व्यवहार, ठीक है। अब शुद्ध निश्चय ये वाला शुद्ध निश्चय, इस शुद्ध निश्चय की अपेक्षा ये एक देश शुद्ध निश्चय व्यवहार हो जाएगा, और इस परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा ये दोनों भी व्यवहार हो जाएंगे। शुद्ध निश्चय भी व्यवहार, एक देश शुद्ध निश्चय भी व्यवहार। मतलब क्या कि ऊपर वाले की अपेक्षा से नीचे वाले व्यवहार हो जाएंगे। सबसे ऊपर कौन बैठा है? सबसे ऊपर परम शुद्ध निश्चय बैठा है, फिर साक्षात शुद्ध निश्चय, फिर एक देश शुद्ध निश्चय, फिर अशुद्ध निश्चय। तो ऊपर वाले की अपेक्षा नीचे वाले सभी व्यवहार होते जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे वही बात बताई कि परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा साक्षात शुद्ध निश्चय एवं एक देश शुद्ध निश्चय भी व्यवहार कहे जाते हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ दूं, मेरा मन नहीं मान रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि निश्चय के भेद प्रभेदों के कथन का, निश्चय के भेद तो हो ही नहीं सकते, वह तो एक प्रकार का ही होता है, इस कथन से कोई विरोध नहीं रहता है, क्योंकि वास्तविक निश्चय तो एक ही रहा, शेष को तो विवक्षानुसार कभी निश्चय और कभी व्यवहार कह दिया जाता है। एकमात्र परम भाव ग्राही
सामान्य ग्राही परम शुद्ध निश्चय नहीं ऐसा है कि जो कभी भी व्यवहार पने को प्राप्त नहीं होता, उसके कोई भेद नहीं होते, अतः वास्तविक निश्चय ने तो अभेद ही रहा। हम यहाँ तक भी पढ़ते हैं, इससे हमारे पूरे जो प्रश्न हमने उठाए थे ना स्टार्टिंग में, और दो दिन से जो हमारी चर्चा चल रही थी पहले, कि भाई जब आप ये बोल रहे हो कि निश्चय नहीं के भेद नहीं होते, और फिर आप भेद किए भी जा रहे हो चार भेद, तो इसका समन्वय कैसे होगा, तो यहाँ जाके वो समन्वय हुआ। इसको समन्वय को लास्ट जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसकी चर्चा हम बाद में भी एक बार थोड़ी सी कर लेंगे, अभी इतना रखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। लग गया? हाँ जी। जैसे मान लो एक कथन ऐसा है, निश्चय की अपेक्षा से जीव रागादि के हैं, तो ये कथन भी तो सत्य ही हुआ कि वहाँ पर शुद्ध निश्चय। लेकिन देखो वो कथन किसी जैसे सद्भुत व्यवहार असद्भुत व्यवहार से असद्भुत व्यवहार से आप ये कहोगे कि परद्रव्य मेरा, परद्रव्य मतलब ये मकान मेरा है, ये किताब हाँ। मेरी है, पुस्तक मेरा है, मोबाइल मेरा, तो एक वो कथन, और एक ये रागादि भाव जीव के, ठीक है हाँ। तो परद्रव्य को जीव का कहना ये तो व्यवहार का कथन है, और रागादि भावों हाँ। को जीव का कहना ये निश्चय का कथन होगा। अब ये निश्चय हाँ। का कथन कौन से निश्चय नय का कथन है, ये बात की बात है, लेकिन अभी हाँ। हमने सिंपली क्या कह दिया, निश्चय नय का कथन हाँ। अब जब आप ऊपर बढ़ोगे आगे की बात करोगे तो फिर निश्चय नय के भेदों में देखोगे कौन से भेद में जाएगा, तो देखेगा कि तो अशुद्धता की बात कर रहे हैं, तो अशुद्धता को जीव का कह रहे हैं मतलब ये हाँ। एक और चीज है कि जैसे अपन अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में भी तो ये यूज करते हैं राग आदि जीव के हैं, और अशुद्ध निश्चय में तो ये यूज करते हैं कि जीव ही रागी है, इस तरह से देखो अंतर पड़ जाता है। निश्चय नय का काम अभेद करके कथन करना, और व्यवहार नय का काम, व्यवहार नय के दो काम है, अभेद में भेद करना और भेद में अभेद करना, मतलब शरीर और जीव अलग अलग है, तो दो अलग अलग वस्तुओं में जो भेद है उसको एक करके बोलना कि देखो मनुष्य जीव है, तो मनुष्य वो तो आसमान जाति देव पर्याय है, वहां पे जीव भी और उद्गल आत्मा शरीर भी, उन दोनों को एक जीव बोलना, तो भेद में अभेद करना, ठीक है, और अभेद में भेद करना ज्ञान दर्शन है और ये राग आदि भाव ये सभी जीव में विद्यमान है, तो जीव में विद्यमान है और जीव की पर्याय में विद्यमान है, और इसमें ये भेद करके करना कथन कि जीव में रागादि भाव पाए जाते हैं, ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, राग वाला आत्मा और रागी आत्मा, ज्ञानी आत्मा, सम्यग्दृष्टि आत्मा, इन दो प्रकार के कथनों में अंतर पड़ रहा है। एक में तो आप पर्याय से भेद करके कथन कर रहे हो राग वाला, तो भेद हाँ। और एक में अभेद कर रहे हो रागी, तो राग वाला और रागी, तो आप एक द्रव्य में भेद करके कथन कर रहे हो, तो भेद करना भी एक अखंड वस्तु में भेद करने का काम व्यवहार है। निश्चय ने भेद करके नहीं देखेगा, निश्चय ने तो तन्मय करके देखेगा, भले ही अशुद्धता से तन्मय करे तो हम उसे अशुद्ध निश्चय नहीं कह देंगे, लेकिन वो काम तो क्या करेगा कि तन्मय करके कथन करेगा। अच्छा, तो भेद को अभेद, तो भेद को अभेद मतलब जैसे जो असद्भुत व्यवहार है ना, असद्भुत व्यवहार में यही होता है, जहाँ पे उसमें भी उपचरित असद्भुत सॉरी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में हाँ। जैसे शरीर आपने जीव के भेद किए, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय और सिद्ध सिद्ध मतलब संसारी और मुक्त, संसारी के संगी असंगी ऐसे भेद किए ना, तो आपने हाँ। भेद किए संगी असंगी, जीव के भेद की, जीव के भेद की तो संगी जीव बोला, तो संगी मतलब आप इंद्रियों को अर्थात शरीर को और जीव को दोनों को मिलाकर भी कथन करो, आपने हाँ। चार गति की बात करी, जीव कितनी गति में पाए जाते, चार गति के जीव होते हैं, एक मनुष्य गति में जीव होते हैं मतलब मनुष्य जीव होते हैं, तो मनुष्य जीव बोले तो भाई मनुष्य तो आसमान जाति के पर है, दो द्रव्य वहां पे विद्यमान है, तो आप दो मतलब जिनमें भेद है जो भिन्न भिन्न द्रव्य है उन भिन्न भिन्न को अभेद करके कथन कर रहे हो, तो असद्भुत व्यवहार में अनुचरित असद्भुत व्यवहार नहीं करता है। अच्छा, तो मतलब दोनों में डिफरेंस, एक तन्मय करके बताना अभेद करके बताना, इन दोनों में डिफरेंस है, एक द्रव्य की बात चले तब तब क्योंकि भिन्न भिन्न द्रव्य की बात चलेगी तो अलग बात हो जाएगी, मतलब
मतलब आप जीव की बात करो ना, राग वाला आत्मा और राग आत्मा सब तो एक ही, हाँ लेकिन परद्रव्य के साथ तो व्यवहार ने भी अभेद कर रहे हैं ना। हाँ तो ये चीज इसमें निश्चय में जैसे एक्चुअली अगर हम राग वाला आत्मा भी कह रहे हैं तो अभी तो भेद ही कर रहे हैं ना, तो राग वाला आत्मा बोल रहे तो इसमें भी वो भेद को अभेदी तो कर रहे कि राग आत्मा का तो है ही नहीं अगर परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से देखा जाए, परम लेकिन शुद्ध आप निश्चय में। परम शुद्ध निश्चय ऐसे देखोगे तो राग देखेगा भी कैसे ना, देखेगा ही नहीं, तो राग वाला ये बात कहाँ कह रही। नहीं देख रहे हैं हम अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से, बट परम शुद्ध निश्चय के लिए वो तो व्यवहार हो गया ना। हाँ वो हो गया, लेकिन आप जो व्यवहार है उसे तो परम शुद्ध निश्चय ने नहीं बोल, उसे तो अशुद्ध निश्चय ने नहीं बोल पाओगे। लेकिन देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो व्यवहार होगा वो किसी अपेक्षा से भी निश्चय नहीं होगा, निश्चय ने ऊपर वाले की अपेक्षा से व्यवहार होगा। अच्छा ये पॉइंट ध्यान रखना, जो हाँ व्यवहार है तो व्यवहार ही रहेगा, निश्चय ने में जो भेद किए ना वो ऊपर वाले भेद की अपेक्षा से नीचे वाला भेद वो व्यवहार हो नाम पाएगा। चलो काफी टाइम हो गया, मुझे लग रहा है बंद गया। ना हो जाए, इसके पहले अपन हाँ बंद करें, दिन वाणी स्तुति करेंगे। जवाणी के ज्ञान पे सुझे लो कलो, सुवाणी मस्तक सदा देखो।